आज ये सवेरे सीवियर साइक्लोन के स्टॉर्म में तब्दील हुआ है और शाम में, रात में और अर्ली सवेरे के बीच में ये लैंडफॉल होने की संभावना है। इसको देखते हुए जो ओडिशा में है हमारी 20 टीमें तैनात हैं और वेस्ट बंगाल में हमारी 17 टीमें तैनात हैं। इसके अलावा लैंडफॉल का जो इफेक्ट होता है दूसरे स्टेट्स में, इंटीरियर एरियाज में, उसको देखते हुए झारखंड और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारी टीमों की तैनाती की जा रही है। जिस तरह से आपने बताया कि लेट नाइट में होगा यानी अर्ली नेक्स्ट डे होगा 25 को, तो ये टाइमिंग कुछ टाइम फ्रेम हुआ है कि इतने बजे के आसपास होगा और मेनली उड़ीसा को हिट कर रहा है या उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों को हिट कर रहा है, किस तरह से? देखिए, जो मेन इम्पैक्ट स्टेट्स हैं वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल हैं। जो लैंडफॉल का एरिया है वो पूरी और सागर आइलैंड्स वेस्ट बंगाल के बीच में ये एरिया में लैंडफॉल होगा। खास तौर पर जो इम्पैक्ट एरिया होगा वो भद्रक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में बताया जा रहा है। इसको देखते हुए उड़ीसा में खास तौर पर 10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो मोस्ट अफेक्टेड बताए जा रहे हैं। जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें पुरी है, गंजाम है, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, ये सब जो मेन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स वो अफेक्टेड होंगे। अभी फिलहाल जो सूचना हमारे पास है उसमें क्लाउडी कंडीशंस हैं, वहाँ पर लाइट और मॉडरेट रेन्स हो रहे हैं। अभी जो तैयारी चल रही है, इवैक्यूएशन जो है, तकरीबन 1,70,000 से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा चुका है अभी उड़ीसा में। इसके लिए शेल्टर्स बनाए गए हैं, तकरीबन 7,200 शेल्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें से तकरीबन 800 परमानेंट शेल्टर्स हैं, करीब 6,000 जो है वो टेम्पररी शेल्टर्स बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की 20 टीमें लगी हुई हैं, इसके अलावा ओडीआरएफ जो है स्टेट फोर्स वो लगी है, 51 टीमें उनकी हैं, उनकी स्मॉल टीम्स होती हैं, 10-10 लोगों की टीमें होती हैं। इसके अलावा जो फायर सर्विसेज हैं उड़ीसा के, उनकी भी 220 टीमें लगी हैं जो स्मॉल टीम्स होती हैं। तो ये बड़े पैमाने पर काफ़ी कोऑर्डिनेशन के साथ ये कार्रवाई की जा रही है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि लैंडफॉल से पहले मैक्सिमम इवैक्यूएशन कर दिया जाए। लेफ्ट जो है वो लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आकी गई है, तो लगभग इससे कितना डैमेज होने का खतरा रहता है? बिल्कुल, देखिए 100 की स्पीड एक अच्छी स्पीड है और अगर इसमें अगर प्रॉपर केयर और प्रिकॉशन नहीं लिया जाएगा, खास तौर पर ये इंश्योर किया जाएगा कि जो लोग लैंडफॉल के समय जो भी लोग हैं वो बाहर नहीं रहने चाहिए, कन्फाइंड रहने चाहिए इंडोर्स में, सेफ प्रिकॉशंस पर, ये हमारी हिदायत है सब लोगों को। और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम जब किया जाता है तो इसमें ये चीज़ बताई जाती है खास तौर पर, और ये इंश्योर भी किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और एनडीआरएफ के थ्रू।